आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी वीडियो में। मेरा नाम है दीपिका और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ब्लॉग, जिसमें मैं प्रिपेयर करने वाली हूँ हरे चने जो होते हैं हमारे खेतों में लगते हैं, उसके बाद वो मार्केट में आ जाते हैं, तो उन चनों की आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। आप लोगों को उनकी रेसिपी शेयर करती हूँ, तो चलिए ले चलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी किचन में। ये आ गए हम किचन में। यहाँ पर देखिए मैंने आलू थे जो मैंने धुल करके उनका बक्कल निकाल दिया है, इनको मैंने आलू धो करके क्लीन करके कट करके रख लिए हैं। यहाँ पर मैंने 6 से 7 आलू लिए हैं पोटैटो, और यहाँ पर लिया है मैंने ये मसाले के लिए प्याज है और हरी मिर्ची है, 2 प्याज ली हैं, 8 से 12 मैंने हरी मिर्ची ली हैं। मैं तीखा पसंद करती हूँ, हमारे घर में तीखा पसंद है, इस वजह से मैं इस सब्जी को तीखा बनाने वाली हूँ। आप लोग अपने हिसाब से मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद था हरा चना, जिसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है मिक्सी पर। देखिए ये कुछ ऐसा हो गया है पीस करके, इसको मैंने बिल्कुल महीन नहीं किया है, थिक है बट ये अच्छा बैटर तैयार कर लिया है मैंने। अब चलिए चलते हैं गैस की ओर, तो इसको बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। अब गैस ऑन कर लेती हूँ मैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। तो चलिए बना लेते हैं हरे चने वाली यहाँ पर सब्जी। तो यहाँ पर मैं आज सब्जी को प्रिपेयर करने वाली हूँ अपने कुकर में। ये कुकर मेरा हॉकिंस का है, हॉकिंस का था, देखिए आप लोग। ये 1 kg कुकर मैंने छोटा वाला लिया था, जैसे मुझे थोड़ी बहुत सब्जी बनानी है तो उसमें बनाने के लिए आसानी से बन जाती है। तो चलिए इसमें डाल लेते हैं हम तेल। यहाँ पर देखिए अब मैं डालने वाली हूँ इसमें तेल। आप तेल ज़्यादा खाते हैं या कम, ये मेरे घर का तेल है, सरसों आती है हमारे खेतों से तो हम घर पर ही तेल बनाते हैं, देसी प्योर है। मार्केट में राई ले जाते हैं तो दुकान वाले भैया होते हैं वो तेल हमें बना कर दे देते हैं। देखिए तभी तो ये इसका कलर इतना थिक दिख रहा है, काला सा। यहाँ पर देख लिए इतना इनफ है, थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 परिया तेल ऐड कर दिया है कुकर में। तेल को होने देते हैं जब तक हम बाकी करते हैं तैयारी। जब तक हमने कुकर के अंदर तेल डाल दिया है, जब तक हम इस वाले मसाले को प्रिपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्याज और हरी मिर्ची, अगर आप चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं इसे आज ऐड कर रही हूँ। तो चलिए इस मसाला को प्रिपेयर कर लेते हैं मिक्सी में। यहाँ पर मैं जार लगा देती हूँ, मिक्सी को ऑन कर देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मसाला रेडी कर लिया है, प्याज हरी मिर्ची वाला था। इसका भी कलर इसलिए ग्रीन हुआ है कि मैं आज इसे हरी मिर्ची में प्रिपेयर करने वाली हूँ। और ये था चना का घोल और ये है पोटैटो। सारी चीज़ें ही यहाँ पर मैंने रख ली हैं। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा तेल भी हो चुका है। अब मैं मिक्सी को निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि हमारे जो सारे मसाले थे वो मैंने सारे ही प्रिपेयर कर चुकी हूँ। मैं कबर्ड के अंदर इसको रख देती हूँ, वरना मेरा छोटा बेटा आएगा तो उसको कुछ ना कुछ उधर करना है तो वो मिक्सी को टॉय समझ के ही खेलने लग जाएगा। ये मेरा किचन का कपड़ा था, आप लोग इस पर मत जाइए। ये है मेरी मसालदानी। चलिए इसमें से उठा लेते हैं जीरा, यहाँ पर 1 स्पून जीरा ऐड कर लेते हैं इसमें तड़के के लिए। ये इसमें अपन को छौंक लगाना है। तो देखिए इसे मैंने जीरा इसमें ऐड कर दिया है। देखिए हमारा तेल अच्छे से हो रहा है। यहाँ पर तेल को होने देते हैं, उसके बाद हम ये मसाला डालेंगे। तेल को अच्छे से हो जाना है। होने गई थी दूर वाले भैया थे, इस वजह से मैं आपको इसमें मसाला डाल के गई थी जो नहीं दिखा पाई थी। अब आपको दिखा देती हूँ कि इसमें जो तेल जीरे के बाद ही हमने डाल दिया है हरी मिर्ची और प्याज लहसुन का जो मसाला तैयार किया था वो ही ऐड किया है।
अभी इसको डाल दे, देखिए मैंने इसमें से पूरा डाल दिया है। दूध वाले भैया लेट हो गए थे हमारे, हमारे यहाँ बहुत बारिश जैसा मौसम हो रहा है। इसे हटा देते हैं, हम इसको अच्छे से भूंजना है जब तक ये पूरा भुन नहीं जाता है। देखिए इसके बाद हम इस प्लेट में ऐड कर लेते हैं अपने मसाले जो हमें ग्रीन वाले मसाले के बाद चाहिए। मसालेदानी से लूँगी मैं पिंच ऑफ हल्दी, थोड़ी सी रेड मिर्ची भी ऐड कर लेते हैं, वन स्पून मैंने कर ली है। देखिए उसके बाद हमको चाहिए एक स्पून धनिया भर के। अब इसमें कर लेते हैं पानी ऐड। आप लोग सोच रहे हैं गाइस कि हमने इसमें नमक ऐड क्यों नहीं किया है। नमक इस वजह से ऐड नहीं किया है कि मसाला चिपकने लगता है। नमक इस बार मैं डालूंगी लास्ट में। देखिए आप ये लोग, ये वाला मसाला हमारा कुछ जलने लगा है, अच्छे से भुन चुका है। देखिए आप लोग इसका टेक्सचर देखिए, आप लोगों के साथ क्लियर दिख नहीं पा रहा है हमारी, ये देखिए। देखिए अब हमने नमक ऐड कर ही दिया है, वरना आप लोग सोचोगे कि नमक को ये लास्ट में क्यों डालेंगी। नमक हमने इसमें स्वाद अनुसार डाला है वन स्पून। यहाँ पर हमारा ये वाला मसाला भुन के रेडी हो चुका है, ये वाला मसाला ऐड कर देते हैं। ये देखिए इस मसाले को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है, 5 से 10 मिनट आप अच्छे से इस मसाले को भी प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि चने की सब्जी का स्वाद है वो काफ़ी टेस्टी हो जाएगा। यहाँ पर हम अलग से पानी नहीं लेंगे, ये मैंने जो मिक्सी का था प्याज हरी मिर्ची इसमें मसाला पीसा था, यही वाला पानी हम यूज कर लेंगे, इसे क्यों वेस्ट करें। ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हो रही है हमारी सब्जी का मसाला रेडी, बढ़िया चटपटे चना मसाला आलू के साथ में, कितना अच्छे से मसाला प्रिपेयर हो रहा है। आप लोग दिखाते हैं मसाला कितनी अच्छी तरह से भून गया है। इसमें तेल छोड़ना स्टार्ट की कर दिया है, देखिए आप लोग मसाले की ग्रेवी। अब इसमें हम कर लेते हैं जो हमने धुलकर साफ करके जो आलू रखे थे, अब वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप लोग सोचोगे कि इन्होंने पहले जो चना को पीस कर रखा था, अगर आप चाहें तो इसमें खड़ा चना भी डाल सकते हैं। खड़ा चना भी बहुत बेस्ट सब्जी बनती है, बट मैं आज इसको पीस कर प्रिपेयर करने वाली हूँ। तो देखिए हमारा आलू था जो इस मसाले में डल चुका है। आलू को थोड़ी देर पकने देते हैं। आलू हमारा अच्छे से पकने लगा है। चटपटे आलू की सब्जी भी रेडी हो सकती है, अगर आप चाहें तो चना स्किप कर सकते हैं, बट चने का सीजन है। चने की भाजी हम खा चुके थे कई बार, बट सब्जी प्रिपेयर नहीं की थी इस वजह से। अब हम कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं, मसाला भुनने लगा है। अब हम इसमें डालने वाले हैं जो हमारा रखा हुआ था चना प्रिपेयर किया हुआ। देखिए कितना गोल बनाया था हमने, गाढ़ा इसका पेस्ट बनाया था चने का। अब इस सब्जी में ओनली हमको लगने वाले हैं 10 मिनट्स, उसके बाद सब्जी रेडी है चने वाली, हरे चने की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के कमेंट्स कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू सो मच।